राजनीति में कहा कुछ जाता है और समझा कुछ और जाता है। बिहार में आजकल यही हो रहा है। लोग चाहते हैं कि बिहार के बड़े नेता लॉ एंड ऑर्डर पर बात करें, लोगों को यकीन दिलाएं कि बिहार में जो पिछले दिनों से स्थिति बनी है इस पर तुरंत लगाम लगाया जाए। लेकिन बिहार के सियासतदान, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ताधारी, भारत पाकिस्तान करने में जुटे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि देश में आपातकाल से भी बदतर हालात हैं, तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिहार को पाकिस्तान से भी बदतर बता रहे हैं। जबकि जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि नित्यानंद राय पाकिस्तानी एजेंट हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेलगाम, अपराध पर सियासतदानों में भारत पाकिस्तान। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराध का तेजी से ग्राफ बढ़ा है। बेलगाम अपराधियों ने शहर शहर तांडव मचाया है। समस्तीपुर में दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो अररिया में एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया। बेगूसराय में पिछले 48 घंटे में 5 लोगों को गोली मारी गई, तो मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट की ये तस्वीरें लोगों के जहन से उतर ही नहीं रही। सवाल जब सत्ताधारियों से पूछा जा रहा है तो जवाब कुछ और मिलता है। राजगीर में जेडीयू के प्रशिक्षण शिविर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि देश में 1975 के आपातकाल से भी आज की स्थिति बदतर है। पीएम नरेंद्र मोदी इतिहास को खत्म करने पर तुले हैं। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले। ललन सिंह की दलील पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भड़क उठे। बोले, जेडीयू को अगर पाकिस्तान की विधि व्यवस्था ठीक लगती है तो एक बार वहां जाकर देखें। नित्यानंद राय ने बिहार की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर बताई। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उन लोगों को एक बार पाकिस्तान जाकर भ्रमण करना चाहिए, वहाँ की महंगाई देखनी चाहिए, वहाँ के आतंक राज को देखना चाहिए। मैं किसी देश पे नहीं कह रहा हूँ, चूंकि जदयू के लोग बोल रहे हैं तो आज यह अपरोक्ष रूप से भारत की जनता पाकिस्तान मुर्दाबाद कहती है, जदयू आरजेडी कांग्रेस के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। नित्यानंद के आरोपों का फिर ललन सिंह ने जवाब दिया। बोले, हम लोग पाकिस्तान भी घूमेंगे, भारत भी घूमेंगे, हम लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नहीं। बिहार पर सवाल उठाने वाले मणिपुर पर बात करें तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने तो नित्यानंद राय को पाकिस्तान का एजेंट तक करार दे दिया। जदयू वाले पाकिस्तान भी घूमेंगे, जदयू वाले हिंदुस्तान भी घूमेंगे, इसलिए कि हम लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों में नहीं है। हम लोग समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव वाले लोग हैं। महादेव की पूजा करने के वाले तामसी भोजन कर रहे हैं और तामसी बयान दे रहे हैं। बिहार के अपराध के मामले में आपने पाकिस्तान से बदतर बताया, इसका मतलब पाकिस्तान आप गए, पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंट आप हैं, पाकिस्तान हमारा सामरिक दुश्मन है, उससे आप हमारी तुलना कर रहे हैं। यही सियासतदानों की सच्चाई है। बात बिहार की हो रही है, बहस पाकिस्तान को लेकर छिड़ी है। काश मरने वालों के परिजनों के दर्द को ये लोग सच में महसूस कर पाते। पटना से रजनीश और शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।